सभी को जय हिंद। बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग डे 34 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बॉक्सिंग फाइट की टेक्निक के बारे में, अगर आपने बॉक्सिंग का ऑनगार्ड सीख लिया है, बॉक्सिंग के पंचेस सीख लिया है, बॉक्सिंग के आपने हेड मूवमेंट सीख लिए हैं, बॉक्सिंग के आपने डिफेंस स्लिप स्वैप बैक स्टेप बैक वीव रोल पैरी ब्लॉक्स सारे सीख लिए हैं, तो आप अब बॉक्सिंग मैच करना सीखना चाहते हैं, बॉक्सिंग का फाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप बॉक्सिंग फाइट सीखें। तो भाई नंबर एक टेक्निक जो रिंग के अंदर हम कराते हैं खिलाड़ियों को, पहले ये टेक्निक है, एक खिलाड़ी गार्ड लेके आगे बढ़ता है और दूसरा जो है उस पर पंचेस करता है, जो आपने टेक्निक नंबर एक में देखा अभी। ठीक है, अब टेक्निक नंबर टू क्या रहेगी, ये सब आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ और नई जो टेक्निक है उसमें आगे जोड़ रखे मैंने। टेक्निक नंबर टू क्या करेंगे आप, जैब फेस पे, मतलब आप सिर्फ दोनों जैब फेस पे करेंगे और बचेंगे। देखो दोनों खिलाड़ी जो हैं मैंने इनको छोटा टारगेट दे रखा है, सिर्फ जैब फेस पे मारना है। तो इससे क्या होगा, जब आपके पास टारगेट छोटा है, बाकी पंचेज आपने यूज़ नहीं करनी है, तो जाहिर सी बात है कि आपका बचने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको चोट लगने की संभावना कम है। तो खिलाड़ियों को हम नंबर दो टेक्निक रहती है, कुछ दिनों तक उनको जैब फेस पे आपस में कंट्रोल स्पायरिंग कराते हैं, टेक्निक स्पायरिंग कराते हैं, ट्रेनिंग स्पायरिंग कराते हैं, जिसमें पावर कंट्रोल रहती है और आप अपने अपोनेंट के साथ टेक्निक के साथ सिर्फ जैब फेस पे पंच करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ हफ्ते बाद टेक्निक नंबर थ्री में डालते हैं उनको। टेक्निक नंबर थ्री क्या रहती है, जैब फेस और जैब बॉडी, मतलब आप जैब फेस पे भी मार सकते हैं और बॉडी में मार सकते हैं जैब पंच। आपको पता है ना बॉक्सिंग में दो टारगेट एरिया होता है, एक फेस और दूसरा बॉडी, है ना। फेस मतलब आपका सिर्फ चेहरा, और बॉडी मतलब जो पूरा चेस्ट एब्डोमिनल एरिया है उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, तो ड्रिल नंबर टू कुछ हफ्ते तक मैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ, आप जैब फेस पे मारेंगे और जैब बॉडी पे मारेंगे, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ऐसा है, उनके लिए जो है जिस दिन स्पायरिंग सेशन है सब बच्चों को उनको सिर्फ यही टारगेट देता हूँ कि आप आपस में जैब फेस और जैब बॉडी पे स्पायरिंग करेंगे। ठीक है, ये रहता भाई कुछ हफ्ते तक। फिर जब कुछ हफ्ते तक ये हम लोग टेक्निक कर लेते हैं, तो कुछ हफ्ते बाद उनको हम नेक्स्ट टेक्निक पे जो कराते हैं वो ड्रिल नंबर फोर में दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, अब क्या है कि जैब फेस पे मार सकते हैं, बॉडी पे मार सकते हैं। ठीक है, ये देखो फिर आएगी टेक्निक नंबर फोर भाई कुछ हफ्ते बाद। फिर टेक्निक नंबर फोर क्या रहेगी, आप जैब फेस पे मार सकते हैं, जैब बॉडी पे मार सकते हैं, लीड हुक मार सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और हमने टप कर दिया है। ठीक है, अब हुक भी मार सकते हैं आप। तो देखो ये कुछ हफ्ते का है, मतलब आपने क्या है करीबन जब आपने बॉक्सिंग सिखा दी तो एक महीने के बेसिक के बाद उनको जो है स्पायरिंग में डालना है ओनली फॉर जैब फेस पे। ठीक है, फिर एक महीने बाद आपने जो है नेक्स्ट में डालना है उनको जैब फेस जैब बॉडी लीड हुक। ठीक है, तो करीबन तीन महीने में यहाँ पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, और इसके बाद ड्रिल नंबर फाइव भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्या करना है देखो, अभी हमने शुरू कर दिया जैब फेस पे मारेंगे भाई आप, जैब बॉडी पे मारेंगे और लीड हुक मारेंगे, समझ रहे हो। सिर्फ जो है जो हाथ आपका आगे लीड हैंड है सिर्फ उसके ही ड्रिल चल रही है अभी तक फाइट में, है ना, तब जाके बनते हैं। ड्रिल नंबर फाइव रहेगी भाई आज की, चोट तो लगेगी नहीं क्योंकि आपको गार्ड पे मारना है। अब हमने क्या किया, दोनों खिलाड़ियों को क्लोज रेंज में खड़ा कर दिया और आप हुक अपरकट्स पंच यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं अभी खड़ा कर दिया इनको, ये मार रहे हैं गार्ड पे देखो। ठीक है, लेकिन भाई प्रॉपर माउथ गार्ड होना चाहिए, प्रॉपर आपका हेड गार्ड होना चाहिए। हेड गार्ड ऐसे नहीं वो जो 20-25 रुपए का मार्केट में आ रहा है उठा के ला रहे हैं भाई साहब, हेड गार्ड प्रॉपर अच्छे वाला मोटी कुशनिंग वाला जिसमें अच्छी खासी कुशनिंग हो भाई वो लाना है, क्योंकि आपके इक्विपमेंट ही आपका बचाव है। ग्लव्स 16 औंस के होने चाहिए। ठीक है, मैं स्पायरिंग में 16 औंस से नीचे के ग्लव्स नहीं देता हूँ, ट्रेनिंग के ग्लव्स अलग हैं और फाइट के ग्लव्स अलग हैं। ये फाइट के ग्लव्स हैं दोस्त, 16 औंस के रखता हूँ मैं जान के ताकि किसी को चोट न लगे। तो भाई ये पांच ड्रिल है जो आपको बॉक्सिंग फाइट के लिए
तैयार करेगा। ड्रिल अभी और बची है दोस्तों, दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।